अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करती हूँ आप लोगों को इस वीडियो में। अमारात से 6 माह से ज़ायद अरसा बाहर रहने वालों के वापस आने पर कोई पाबंदी नहीं। एक्सपायर्ड वीज़ा होल्डर्स की अमारात वापसी के हवाले से भी अहम हदायत जारी। GDRFA के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल मोहम्मद अल मरी ने बताया है कि मुतहदा अरब अमारात में फंसे तारकीन के वतन वापस जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। इस तरह जो लोग गुज़श्ता 6 माह से अमारात से बाहर फंसे हुए हैं, अगर इनके वीज़े कार आमद हैं तो वो ज़रूरी कवायद पर अमल करके अमारात लौट सकते हैं। इन पर कोई जुर्माना आयद नहीं होगा। कुछ अरसा पहले तारकीन के लिए लाजिम था कि वो 6 माह से ज़ायद अरसा अमारात से बाहर नहीं रह सकते थे, मगर फ़िलहाल इस पाबंदी को ख़त्म कर दिया गया है। मेजर जनरल दुबई मीडिया ऑफिस के सोशल मीडिया चैनल पर गुफ्तगू के दौरान कहा कि मौजूदा हालात गैर मामूली हैं, जिसकी वजह से माजी की बहुत सी पाबंदियों पर अमल दरामद रोक दिया गया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसे तमाम अफराद जिनके वीज़ों की मुद्दत अभी ख़त्म नहीं हुई, वो वापस दुबई आ सकते हैं। बस उन्हें एक बार दुबई के GDRFA से वापसी का इजाज़तनामा हासिल करके फिर PCR टेस्ट करवाना होगा, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद वो अमारात के किसी भी एयरपोर्ट से दुबई वापस आ सकते हैं। ताहम जिन अफराद के वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं, उन्हें पहले अपने वीज़े की तजदीद करवानी होगी, इसके बाद वो अमारात वापस आ सकेंगे। उन्होंने इस लाइव प्रोग्राम के दौरान मज़ीद बताया कि ऐसे अफराद जो वबा के दौरान नौकरियां गंवा बैठे हैं, जिसके बाद इनका ममकलत में क्याम गैरकानूनी हो गया है, इनसे मुस्तहक अफराद को दुबई एयरपोर्ट पर जुर्माने माफ़ करके भी वतन वापस भेजा जा रहा है। जी तो नाज़रीन, वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।